ये देखो भाई, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सिक्स पैक दिखा अपने। ये देखो भाई, ऊपर को जाने में दिक्कत होती है थोड़ी सी, क्योंकि फ्लो नीचे की तरफ है। यहीं पे भी ना इतना इतना पानी है। देखो यहाँ से आगे जाओ ना तो पूरा डूब सकते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी करीब दोपहर के 2 बज रहे हैं। आज अपना प्लान बना है नदी में नहाने जाने का। गर्मी काफी हो रखी है, अभी लगभग 35-36 डिग्री टेम्परेचर होगा, जबकि 30-32 से ऊपर जाता नहीं था हमारे यहाँ पे। और बता रहे हैं कि 2-4 दिन बाद बरसात भी, और गर्मी में हम नहाने भी नहीं गए इस बार। तो सब भाई लोगों ने मिलकर प्लान बनाया है नहाने जाने का। साथ में देखो रोहित भाई, अनिल भाई, और इधर देखो संतोष भाई भी है हमारे। और बढ़िया से एक बाइक ले जाने वाले, एक स्कूटी ले जा रहे हैं हम। घर आके काम भी करना है, इसलिए जल्दी से चलते हैं, लेट ना हो जाएगी। लेट्स गो। तो भाई यहाँ से ना गर्म हवाएं चल रही है, जैसे जैसे हम आगे डुबलू की तरफ बढ़ रहे हैं और नदी की तरफ थोड़ा सा डाउन जा रहे हैं ना। और जहाँ हम नदी में जा रहे हैं ना, लगभग 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो आधा घंटा जाने में लग जाएगा, आधा आने में लगेगा। और डुबलू पहुंच चुके हैं बस स्टैंड से थोड़ा आगे। अनिल भाई जा रखा है कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। सामान लेने में भी बहुत टाइम लगा दिया भाई, और गर्मी में खड़े रहना पड़ रहा है। अब जाके भाई आए कहीं। अभी हम जिस रोड से चल रहे हैं ना, नदी उसके ठीक लेफ्ट साइड में नीचे को। बाकी दिक्कत ऐसी है ना कि यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, चप्पल में भाई पैर जल रहे हैं। पीछे संतोष भाई बैठे हैं ना, वो भी बोल रहे हैं कि गर्म हवा है। और उस तरफ को तो आग लग रखी है भाई पहाड़ पे। ये जो आग लगती है ना, ये तो ज्यादा गर्मी कर देती है। लखोटी से थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा आगे से ही रोड जाएगी नीचे के लिए। और बढ़िया से यहाँ पे छांव में रुके हैं, एक पानी का सोर्स भी है यहाँ पे बढ़िया से, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उसके बाद चलते हैं नदी के लिए नीचे। और ये देखो भाई लोगों, बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे देखो पानी का चश्मा है, एक बढ़िया सा नेचुरल सोर्स है। देखो कितना अच्छे से पत्थर से ढक रखा है, जो इसमें पत्ते पुत्ते कूड़ा कर रटना जाए। और इसमें देखो छोटी छोटी काली काली मछलियां भी है। से हम जा रहे हैं नदी की तरफ। और दिक्कत ऐसी भी थी ना पहले कि इस नदी पे पुल नहीं था यहाँ से, तो अब पुल का काम भी हो रहा है, इस नदी पे पुल बनने वाला है। तो भाई देखो लोग तो यहाँ पे भी आ रखे नहाने, यही है अपना स्पॉट, यहाँ पे पार्क करते भाई को। यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन का काम लग रखा है। देखो भाई यहाँ पे पुल की फाउंडेशन बन रही है, और ये मशीन लग रखी है, यहाँ से उस तरफ को पुल बनाया जा रहा है। बाकी रोड तो काफी हद तक खोल ही दिया है यहाँ पे, तो बाइक अपनी यहीं तक आएगी। और मैं संतोष भाई बच रखे पीछे, रोहित भाई और अनिल भाई पहुंच गए आगे। देखो वहां जाना है अपने को नहाने। तो ये देखो भाई पानी तो लग रहा है भाई इसमें नहाने को ना। नदी में बेशक पानी कम है, पर यहाँ पे जो ये पॉन्ड है ना, इसमें बढ़िया पानी है। देखो तो मैक्सिमम भाई सारे अपने जान पहचान के लोग आ रखे। देखो यहाँ पे हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम होगा पानी, जैसे नदी में कम हो गया ना पानी, पर ये वाला पॉन्ड काफी भर रखा है, मजा आने वाला है बढ़िया से नहाने का। रोहित भाई लग गए देखो बढ़िया से कपड़े खोलने के लिए। तो भाई कपड़े खोल दिए ना, ज्यादा नजदीक फोन ले नहीं जाएंगे, वहाँ पे फिसल के फोन जा सकता है पानी में। रेत भी गर्म है भाई कसम से। तो भाई आंख में चला गया था पानी, इसलिए जल्दी निकलना पड़ा, नहीं तो भाई ऊपर से पूरा डाइव लगा के ना यहाँ तक पहुँच जाता हूँ मैं एक सांस में। भाई बाहर जितनी हवा चल रही है ना, उससे तो ठंड लगती है, पानी में तो बढ़िया एक सा टेम्परेचर है। ये देखो भाई, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ध्रुव कौन सी क्लास में पढ़ता तू? प्लस टू का बंदा है भाई, और प्रो है बिल्कुल। स्विमिंग सिक्स पैक दिखा अपने। ये देखो भाई चेक करो आप, कोर स्ट्रांग है बंदे का। संतोष भाई मस्त मजे ले रहे हैं भाई चुपचाप। देखो यहाँ से मैं ऊपर तक भी जा रहा हूँ, ऊपर को जाने में दिक्कत होती है थोड़ी सी, क्योंकि फ्लो नीचे की तरफ है, थोड़ा सा पानी में ठहरा हुआ है यहाँ पे। अनिल भाई कम तैरते हैं, इसलिए थोड़ा पीछे पीछे रहते हैं। रोहित भाई बिल्कुल प्रो है भाई तैरने में, और संतोष भाई तो सबके हेड है। देखो वहाँ पे इन्होंने तो फुल तसल्ली कर लिया नहा के। कैसा लग रहा है संतोष भाई? हाँ, और लोग बोल रहे थे ना भाई कम गहरा है इस बार, बहुत गहरा पानी है। देखो यहाँ यहीं पे भी ना इतना इतना पानी है, देखो पूरा चेस्ट तक। यहाँ से आगे जाओ ना तो पूरा डूब सकते हैं, तो इसलिए जो नदी नाले है ना, उसमें उसी हिसाब से जाओ जिस हिसाब से आपको स्विमिंग आती है। काफी मस्त भाई, गजब गजब नज़ारे। और
फोन की दिक्कत और है भाई, फोन पानी में जा सकता है। अरे देखो भाई, अजय भाई तो हमारे से सबसे पहले पहुंच गए थे यहाँ पे नहाने। भाई पानी में तो ऐसा मन करता है ना कि लगभग 2-4 घंटे यही रहे। ये तो आजकल हमारा टमाटर सीजन वगैरह है, उस वजह से घर जाना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रोहित भाई देखो वहाँ जा रखा है पूरा। नहा धो के सब लोग चल पड़े हैं घर की तरफ। देखो वापस बाइक अपनी ऊपर पार्क है। लेट काफी हो गए भाई, घर से फोन आ रहे हैं। चलते भाई यहाँ से।